खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज जामिया नगर शाहीनबाग इलाके में फ्राइडे प्रेयर्स में काफ़ी यहाँ पे गैदरिंग होती है, जैसे हर जगह पे होती है, तो इसके मद्देनज़र कोई भी यहाँ पर उपद्रवी इस मौके का फ़ायदा ना उठाए या कोई हिंसक तत्व इसी के बहाने कोई किसी भी प्रकार का कांड ना करें, इसलिए हमने इलाके के पब्लिक जो सिटीजन्स हैं उनके साथ अमन कमिटीज के द्वारा हमने काफ़ी संख्या में हम उनके साथ मीटिंग्स करते आ रहे हैं। कल भी हमने थाना शाहीनबाग में और थाना जामिया नगर में लोगों के साथ और इमामों के साथ हमने मीटिंग किया था, उनसे अपील किया था कि इसी मौके पर जुम्मे का पवित्र जो अवसर पर प्रेयर के अवसर पर वो लोगों को शांति का संदेश दें, कानून का पालन करने का संदेश दें और हिंसात्मक तत्व और उपद्रवी तत्वों को अपने से दूर रखें और उनको अपने अपने अंदर से हटाने का और अगर इस तरह से कोई सूचना उनको मिलता है तो पुलिस को शेयर करें और कानून व्यवस्था को मेंटेन करने का जिम्मेदारी जितना पुलिस के है उतना आम लोगों का है। ये संदेश उनके बीच में लेने के लिए हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया है। हम आशा करते हैं कि कानून व्यवस्था का पालन यहाँ पर वो लोग करेंगे। देखिए, पुलिस की प्रिपरेशन कभी कम नहीं होती, खासतौर के 15 तारीख को जिस तरह से मॉब वायलेंस हमें यहाँ पर मथुरा रोड से लेकर के जामिया तक हमें देखने को मिला, जब इतनी संख्या में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस का आगजनी किया गया, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, भारी मात्रा में हिंसा किया गया यहाँ पे, तो उसके मद्देनज़र और जब हमें ये पता है, इनपुट्स भी आते हैं कि उपद्रवी अपना कोई भी चीज़ को अंजाम देने के लिए वो लोग भी अपना साजिश इत्यादि कर रहे होंगे, तो हमें किसी भी प्रकार का आशंका को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने अपने पुलिस की तैनाती को हमारे बंदोबस्त में कोई कमी नहीं किया है। पूरे जामिया नगर शाहीनबाग के अलग अलग स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पे हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एंटी रायट गियर्स के साथ हमारे भारी संख्या में हमारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है किसी भी स्थिति से किसी भी परिस्थिति को निपटने के लिए। 800 से ज़्यादा पुलिस लोकल और आउटसाइड फोर्स मिला करके हम लोग 800 से ज़्यादा पुलिस बल तैनात हैं तो अलग अलग जगह पे, ताकि कोई भी ये जो शांति की स्थिति है ये कोई परिस्थिति में ना बदल जाए और उसको नियंत्रण करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए हमारे पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है, तत्पर है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।